तो गाइस आप सभी लोगों ने ग्रेनी गेम तो खेला ही होगा जिसमें हम लोग को ग्रेनी के हाउस से एस्केप करना होता था। बट गाइस आज कुछ डिफरेंट होने वाला है क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं ऑगी का ग्रेनी गेम। अब मुझे पता है कि भाई आप लोग को गेम का नाम सुनने में थोड़ा वियर्ड तो लग रहा होगा, बट गाइस क्या करें, गेम का नाम ही ऐसा है और आज की इस वीडियो में हम लोग इसी गेम को खेलने वाले हैं अपने एंड्रॉयड फोन में। और मैं लिटरली बता रहा हूँ गाइस, गेम के नाम भले ही अजीब हो या फिर गेम का कैरेक्टर भूत जैसा भी कुछ भी अजीब हो, बट यार गेम के जो स्टोरीज है ना और जो पजल्स वगैरह होते हैं भाई, जिसको हम लोग सॉल्व करके घर से एस्केप करते हैं, वो तो भाई काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाला है। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा। तो बस इसी के साथ भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप लोगों ने मुझे पता है भाई अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को, तो जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक करो और ऐसी और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलते हैं वीडियो के तरफ, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो ये है वो गेम जिसका नाम है ग्रेनी इज ऑगी स्कैरी गेम। भाई ये क्या उटपटा नाम है यार, कुछ भी नाम रख दो भाई, मतलब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। खैर गेम का नाम कुछ भी हो, गेम कैसा है वो तो गेम को खेलने के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग गेम को प्ले कर लेते हैं, बट उससे पहले गाइस यहाँ पे एक बार ओगी को देखो यार, हमारे बेचारे ओगी को इन लोगों ने क्या बना दिया भाई। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। तो चलो अब गेम को प्ले करते हैं। तो ऑल राइट गाइस, हम लोग आ चुके हैं इस गेम के अंदर और यहाँ पे हम लोग के पास भाई सिर्फ 9 दिन है इस घर से एस्केप करने के लिए। तो वैसे 9 दिन भाई बहुत ज्यादा ही है, ग्रेनी में तो सिर्फ 5 दिन होते हैं। तो हम लोग पहले कैबिनेट वगैरह को देख लेते हैं कुछ मिल जाए। और यहाँ पे ये क्या भाई, फाइंड ए फ्यूज, शायद से हम लोग को एक फ्यूज खोजना है। तो देख लेते हैं भाई ड्रॉर वॉर में, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे ये क्या, एक न्यूज पेपर है क्या? अच्छा, तो एक शायद एलन नाम की लड़की है जो कह रही है यहाँ से, मतलब लीव दिस प्लेस, यहाँ से हम लोग को निकलना होगा। तो उसके लिए हम लोग को पूरे रूम को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तभी हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग किस रास्ते से निकल सकते हैं। तो यहाँ पे एक डोर है, इसको खोल के देख लेते हैं यहाँ पे कुछ मिल जाए। यहाँ पे हम लोग को एक सीजर मिल चुका है, ठीक है, तो सीजर का भी कुछ काम होगा। तो पहले हम लोग को फ्यूज खोजना है, ठीक है। फ्यूज तो मेरे को नहीं लगता भाई यहाँ पे मिलेगा, तो चलो हम लोग यहाँ से कैबिनेट में भी देख लेते हैं। भाई कैबिनेट में कुछ नहीं है, तो चलो हम लोग बाहर चलते। ओ भाई ये क्या, ये ग्रेनी है भाई, क्या है यार ओगी, वो भाई मार भी दिया, बड़ा खतरनाक भूत है यार इस गेम को तो, इतना जल्दी कौन मारता है भाई। तो चलो हम लोग दूसरे रूम में देख के कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तो हम लोग शायद से एक किचन में आ चुके हैं और यहाँ पे ये क्या है, फ्यूज। ओ भाई साहब, हम लोग को फ्यूज मिल चुका है, तो यहाँ पे इसको लगाना कहाँ पे, ओ भाई साहब इधर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फ्यूज लगा देते हैं। अच्छा, हम लोगों ने फ्यूज लगा दिया है और ये कैबिनेट वगैरह को देख लेते हैं, शायद कुछ यहाँ पर भी नहीं है। और यहाँ पे ये क्या, नाइफ। अच्छा अच्छा, हम लोग को नाइफ मिल चुका है, नाइफ से कुछ काटना है क्या, चलो फ्रिज में देखते हैं। ओ भाई साहब ये क्या यार, ये किसको भाई मार रखा है ग्रेनी ने, भाई जल्दी से इस फ्रिज को बंद करो वरना मेरे को भी यार इसी तरीके से मार के फ्रिज में बंद कर देगा। कुछ तो गड़बड़ है भाई इस हाउस में, जल्दी से मेरे को पता करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भी भाई इस फ्रिज में बंद हो जाऊंगा जल्दी से, और मेरे को किसी भी हाल में यार यहाँ से एस्केप करना पड़ेगा। तो चलो अब ये रूम को भी चेक कर लेते हैं क्योंकि मेरे को इस रूम से कुछ आवाज़ आ रहा है और यहाँ पे आवाज़ इधर से आ रहा है क्या। ओ भाई साहब यहाँ पे तो ये स्पाइडर किसी को मार रहा है भाई, किसी आदमी को, हमको इसको बचाना पड़ेगा। तो मेरे पास एक नाइफ है, इसको मार देता हूँ। ओ भाई साहब मैंने मार दिया इसको, अब इसको बचाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको एक फर्स्ट एड किट का डिब्बा लाना होगा जिससे ये जो बंदा है भाई आदमी ठीक हो पाएगा। तो चलो भाई इसको जल्दी से हमको हेल्प करना पड़ेगा। यहाँ पे ये क्या फिल्म है, फिल्म नहीं चाहिए भाई, मेरे को फर्स्ट एड किट चाहिए। तो फाइनली गाइस काफ़ी ज़्यादा ढूंढा ढांडी करने के बाद मेरे को ऊपर वाले फ्लोर पे फर्स्ट एड किट का डिब्बा मिल गया। अब मेरे को जल्दी से जाके उस बंदे के पास जाना पड़ेगा और उसको हेल्प करना पड़ेगा, क्या पता भाई वो हमारी कुछ हेल्प कर दे या फिर कुछ दे दे जिससे हम लोग इस घर से एस्केप कर पाए। तो जल्दी से हम लोग को भाई फटाफट से उसके पास जाना पड़ेगा और उसको हेल्प करना पड़ेगा। तो ये ले भाई मेडिकिट और जल्दी से ठीक हो जाए और मेरे को कुछ हेल्प कर दे जिससे मैं यहाँ से निकल पाऊँ। तो ये मेरे को कुछ कह रहा है, तो इनकी बातों को अभी स्किप करते हैं क्योंकि उतना टाइम नहीं हमारे पास। तो शायद से ये मेरे को कुछ दे रहा है। ओ भाई साहब यहाँ पे हम लोग को लाइब्रेरी की मिल चुका है, तो जल्दी से हम लोग को लाइब्रेरी रूम जाना पड़ेगा, वहां पे इस की का यूज होगा। ओके गाइस, तो हम लोग लाइब्रेरी रूम के अंदर आ चुके हैं। हम लोग पहले यार गेट को बंद कर लेते हैं वरना यार ग्रेनी आ जाएगी अंदर तो दिमाग खराब हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्या है, प्ले फिल्म। अच्छा, हम लोग को यहाँ पे एक फिल्म लगाना पड़ेगा। ओके, मैंने फिल्म लगा दिया है और हम लोग को यहाँ पे एक क्या इंटर है सीक्रेट रूम, तो हम लोग को एक सीक्रेट रूम में जाना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को भाई एक कोड मिल चुका है जो कि है 4474। तो ओके भाई, हम लोग को इस कोड को याद रखना पड़ेगा और मेरे को सीक्रेट रूम का रास्ता भी पता है, वो है भाई ऊपर वाले फ्लोर पे। तो जल्दी से चलते भाई ऊपर वाले फ्लोर पे। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं ऊपर वाले फ्लोर पे और यही है वो सीक्रेट रूम जहाँ पे हम लोग को कोड डाल के रूम को खोलना पड़ेगा। तो हमारा कोड था 4474, तो 4474 डाल दिया, 74, ठीक है, तो 74 हो गया। एंटर करते हैं हम लोग। ओ भाई साहब हम लोग को शायद से रूम खुल चुका है, तो जल्दी से यार अंदर चल लेते हैं। और ये हट क्यों नहीं रहा भाई, हट जा, हेलो, हाँ हट गया। चलो अब हम लोग को अंदर जाना पड़ेगा। ओ भाई साहब यहाँ पे तो कुछ नया रूम दिखा और ये डोर लॉक हो गया क्या,
अच्छा खुल भी रहा है। तो चलो गाइस सामने अगर मेरे को एक रूम दिखा जिसमें मैं अभी तक नहीं गया हूँ, शायद से भाई उधर कुछ मिल जाए या फिर कुछ तो अजीब भाई इस रूम में देखना पड़ेगा। तो चलो अंदर जाते हैं। और भाई सब ये इतने सारे, एक सेकेंड भाई, इतने सारे डेड बॉडीज, सही देख रहा हूँ ना भाई मैं? ये ओगी ने किया है, ग्रैनी ओगी ने? भाई इतना खतरनाक कौन करता है भाई, या फिर गेम डेवलपर ने ऐसे बना रखा है? यहाँ पे देखो प्लीज़ हेल्प मी लिखा है भाई, काफ़ी खतरनाक यार बना रखा है। देखो ये, इसको देखने के बाद कोई मूवी का मेरे को याद आ रहा है बट उसका नाम नहीं पता, बट हाँ गाइस ये सीन तो एक मूवी में था। भाई साहब ये लोग क्या बना रहे यार, गेम को इतना खतरनाक कौन बनाता है यार? और यहाँ पे देखो काफ़ी सारे कैबिनेट है, यहाँ पे एक एक्स है, एक्स का यूज बाद में होगा, पहले यहाँ पे कैबिनेट से कुछ आवाज़ आ रहा है भाई, ठक 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 जैसा, शायद से कोई फंसा है यहाँ पे और हम लोग कैबिनेट को खोल भी नहीं सकते, शायद से हम लोग को एक क्रोबार चाहिए होगा, यहाँ पे लिखा भी है फाइंड क्रोबार, तो क्रोबार को हम लोग जल्दी से लाते हैं फटाफट से, उसके बाद देखते हैं कैबिनेट खुलता है कि नहीं खुलता। तो फाइनली गाइस हम लोग को क्रोबार मिल चुका है और क्रोबार से मैंने भाई काफ़ी ट्राई किया कैबिनेट को खोलने का बट वो खुला नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे इसका यूज़ था इस इमेज को गिराने का। और यहाँ पे देखो भाई एक सेफ खुला है, पता नहीं इसका, इसके लिए भी एक पासवर्ड चाहिए होगा, अब पासवर्ड इसके लिए खोजना पड़ेगा, वो तो मिलेगा नहीं। और मैं लिटरली बता रहा हूँ गाइस, मैंने ऑलमोस्ट पूरे गेम को एक्सप्लोर कर लिया, हर एक रूम में जाके चेक किया बट यार फिर भी मेरे को कुछ नहीं मिला जहाँ से भाई मैं एस्केप कर सकूँ। तो इसके आगे भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, मैंने कोड भी ढूंढने का काफ़ी ट्राई किया बट वो भी नहीं मिला। तो इसीलिए भाई आज की इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो भाई प्लीज़ इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना, और आप लोग अगर इस गेम का सेकेंड पार्ट चाहते हो तो भाई इस वीडियो पर अच्छा खासा सपोर्ट दिखाना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कॉमेंट तो कर ही देना। तो अगर इस वीडियो पे काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस आएगा तो मैं इसका सेकंड पार्ट जरूर से लाऊंगा। और हाँ गाइस इस गेम को भी भाई मैं जरूर से कंप्लीट करूंगा पूरा और यहाँ से एस्केप करके दिखाऊंगा। तो आज के वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।